television chocolate camera. The TV family, together with Charlie and Grandpa Joe, stepped out of the lift into a room so dazzlingly bright and dazzlingly white that they screwed up their eyes in pain and stopped walking. Mr. Wanka handed each of them a pair of dark glasses and said, Put these on quick.

डार्क ग्लासेस यानी जो हमारे सन ग्लासेस होते हैं ना वैसे ब्लैक उस वाले कोई सभी डार्क कलर हो वो ग्लासेस दिए और कहा इनको पहन लो चाहे कुछ भी हो कुछ भी करो इनको नहीं उतारना ये रोशनी जो है ये आपको अंधा कर सकती है As सुन as चार्ली हैड his डार्क ग्लासेस ऑन ही वॉज एबल टू लुक अराउंड हिम इन कम्फर्ट He saw a long narrow room. The room was painted white all over. Even the floors were white, and there wasn't a speck of dust anywhere. From the ceiling, huge lamps hung down and bathed the room in a brilliant blue white light. The room was completely bare except at the far ends. At one of these ends, there was an enormous camera on wheels. And a whole army of Umpalumpas was clustering around it, oiling its joints and adjusting its knobs and polishing its great glass lens. The Umpalumpas were all dressed in the most extraordinary way. They were wearing bright red spacesuits, complete with helmets and goggles. At least they looked like spacesuits. And they were working in complete silence. जैसे ही को उसके ग्लासेस मिले उसने उनको पहना चश्मे मिले और वो आसपास देख सकता था सुकून से आराम से उसने देखा कि लंबा सा पतला सा कमरा है नैरो है राइट और रूम जो है वो पूरा सफेद है इवन फ्लोर फर्श भी सफेद है और कहीं पे भी एक भी धब्बा नहीं है डस्ट का ऊपर छत से जो है बड़े बड़े लैंप्स जो है वो लटक रहे हैं वो पूरे कमरे में ब्रिलियंट ब्लू व्हाइट लाइट जो है वो बिछाए हुए हैं उसको नहला रहे हैं समझो पूरे में छाई हुई है वो लाइट पूरे कमरे में हर कोने में कमरा जो है वो बिल्कुल खाली था सिवाय एंड्स के कोनों के एक कोने पे एक बड़ा सा कैमरा था व्हील्स पे यानी उसको इधर उधर किया जा सकता था और एक पूरी आर्मी थी उम्पा लुम्पा की जो उसके आसपास जमा हुई हुई थी और वो लोग क्या कर रहे थे उसके जॉइंट्स को ऑयल डाल रहे थे उसके नॉब्स को एडजस्ट वगैरह कर रहे थे नॉब जो है वो ऐसा होता है पिक्चर ये देख ले और उसका जो लेंस है उसको पॉलिश कर रहे थे तो बेसिकली जो हमारा कैमरा है उसको साफ़ सुथरा कर रहे थे उस पर काम कर रहे थे उसको ठीक कर रहे थे तो उम्पा लुम्पास जो हैं वो सारे बहुत ही गैर मामुली तरीके से ड्रेस हुए हुए थे उन्होंने गैर मामुली कपड़े पहने हुए थे उनके सूट्स थे स्पेस सूट्स से काफी तेज रेड कलर के उनके पास हेलमेट था गॉगल्स थे कम से कम वो लगते स्पेस सूट्स की तरह थे और वो सब खामोशी से काम कर रहे थे वाचिंग देम चाइल्डली एक्सपीरियंसड अ क्वेयर सेंस ऑफ danger. There was something dangerous about this whole business, and the Oompa knew it. There was no chattering or singing among them here, and they moved about over the huge black camera slowly and carefully in their scarlet space suits. यहाँ पे उनको देखते हुए चार्ली को महसूस हुआ कि यहाँ खतरा है मतलब ये चीज dangerous है खतरनाक है उसने कहा कि इस सब में न कोई ना कोई, कोई बहुत खतरा है मतलब कोई खतरनाक चीज से काम हो रहा है और उसने रियलाइज किया कि कि को पता है कैसे कि कि वो कोई बात नहीं कर रहे थे न गाना गा रहे थे और वो इधर उधर भी बहुत ही आराम से ध्यान से अपने स्पेस में हो रहे थे और काम कर रहे थे एट द अदर एंड ऑफ द रूम About fifty paces away from the camera, a single Oompa Loompa, also wearing a space suit, was sitting at a black table gazing at the screen of a very large television set. Here we go! cried Mr. Wonka, hopping up and down with excitement. This is the testing room for my very latest and greatest invention, television chocolate. Dusse kinare pe, जो कैमरा से पचास कदम की दूरी पे था वहां पे एक उम्पा लुम्पा बैठा था ब्लैक टेबल पे और देख रहा था स्क्रीन को, एक बड़े से टेलीविजन सेट की स्क्रीन थी उसको देख रहा था हम यहाँ आ गए ट्राई किया मिस्टर वंका ने एक्साइटमेंट से उछलते हुए ऊपर नीचे ये टेस्टिंग रूम है मेरी सबसे जदीद और अच्छी इन्वेंशन का टेलीविजन चॉकलेट But what is television chocolate? asked Mike TV. Good heavens, child, stop interrupting me, said Mr. Wonka. It works by television. I don't like television myself. I suppose it's all right in small doses, but children never seem to be able to take it in small doses. They want to sit there all day long, staring and staring at the screen. That's me! काम करता है मुझे टेलीविजन खुद अच्छा नहीं लगता ये ठीक है मुझे लगता है अगर थोड़ा थोड़ा देखा जाए लेकिन बच्चे उसको थोड़े डोज में थोड़ा नहीं देख पाते वो वहां बैठ के पूरा दिन स्टेर करना चाहते हैं घूरते रहना चाहते हैं स्क्रीन को वो मैं हूं माइक टीवी ने कहा चुप करो मिस्टर टीवी ने कहा थैंक यू मिस्टर से आई शेल नाउ टेल यू हाउ दिस अमेजिंग टेलीविजन सेट ऑफ माइंड वर्क बट फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू नो हाउ ऑर्डिनरी टेलीविजन वर्क्स It's very simple. At one end where the picture is being taken, you have a large scenic camera and you start photographing something. The photographs are then split up into millions of tiny little pieces which are so small that you can't see them. And these little pieces are shot out into the sky by electricity. In the sky, they go whizzing around all over the place. Until suddenly they hit the antenna on the roof of somebody's house. They then go flashing down the wire that leads right into the back of the television set. And in there they get jiggled and joggled around until at last every single one of those millions of tiny pieces is fitted back into its right place. Just like a jigsaw puzzle. And presto! फोटोग्राफ अपेयर शुक्रिया Mr. Wonka, Mr. TV को कह रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरा शानदार टीवी सेट कैसे काम करता है पर पहले क्या आप लोगों को पता है कि नॉर्मल टीवी कैसे काम करता है ये बहुत ही सिंपल है एक एंड पे एक जगह पे जहां पे पिक्चर ली जाती है वहां पे आपके पास एक बड़ा सा सीने कैमरा है जिससे आप पिक्चर्स लेते हो पे फोटोग्राफ्स जो है उसको मिलियन पीसेस में टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है जो बहुत ही छोटे हैं उनको हम देख नहीं सकते और फिर ये जो छोटे-छोटे पीसेस हैं इनको स्काई में शूट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू फिर स्काई में आसमान में वो इधर-उधर घूमते रहते हैं तब तक के जब तक किसी एंटीना पहले होते थे बहुत ये चीज के जो हमारे यहाँ टीवी वगैरह आती है वो एंटेना के थ्रू आती है ठीक है तो वो रूफ पे होते थे छत पे होते थे तो वो जब तक किसी के एंटेना से ना टकराए किसी के घर की छत पे एंटेना है उससे वो टकराए फिर वो वायर्स के थ्रू टेलीविजन सेट के पीछे आते हैं वहां से वो हिलते हैं जुलते हैं तब तक के जब तक हर पीस अपनी सही जगह पे ना आ जाए जैसे कि एक पजल होता है buss, screen jaldi se. That isn't exactly how it works, Mike TV said. I am a little deaf in my left ear, Mr. Wonka said. You must forgive me if I don't hear everything you say. I said, that isn't exactly how it works, shouted Mike TV. वैसे तो ये काम नहीं करता टीवी के बात कर रहा है माइक टीवी के ऐसे नहीं काम करता मिस्टर वॉन्ग का कह रहे हैं कि मेरा जो लेफ्ट कान है यहां से मैं थोड़ा बहरा हूं तो तुम मुझे माफ कर देना अगर जो भी तुम बोल रहे हो वो सब मैं ना सुन पाऊं अब माइक टीवी ने चिल्लाया मैंने कहा कि ये ऐसे काम नहीं करता ये चिल्लाया माइक टीवी ने यू आर अ नाइस बॉय Mr Wonka said But you talk too much. Now then the very first time I saw ordinary television working I was struck by a tremendous idea. Look here, I shouted. If these people can break up a photograph into millions of pieces and send the pieces whizzing through the air and then put them together again at the other end, why can't I do the same thing with a bar of chocolate? Why can't I send a real bar of chocolate whizzing through the air in tiny pieces? And then put the pieces together at the other end, all ready to be eaten. Impossible, said Mike TV. तुम अच्छे बच्चे हो, Mr. Wonka कह रहे हैं Mike TV को, लेकिन तुम बोलते बहुत ज़्यादा हो. अच्छा फिर ठीक है. पहली दफा जब मैंने देखा कि television, normal television ऐसे काम करता है, तो मुझे एक शानदार आइडिया आया मैंने चिल्लाया देखो इधर अगर ये लोग एक फोटोग्राफ को मिलियंस ऑफ पीसेस में तोड़ के दोबारा एयर में भेज के उसको दोबारा जोड़ सकते हैं तो मैं यही चीज चॉकलेट के साथ क्यों नहीं कर सकता मैं एक चॉकलेट बार रियल चॉकलेट बार को हवा में भेज के दूसरे साइड पे क्यों नहीं पहुंचा सकता वो रेडी हो खाने के लिए हा नामुमकिन माइक टीवी ने कहा यू थिंक सर्व ग्राइट मिस्टर वॉन्का वेल वॉच दिस आई शेल नाउ सेंड अ बार ऑफ माई वेरी बेस्ट चॉकलेट फ्रॉम वन एंड ऑफ दिस रूम टू दी अदर बाय टेलीविजन गेट रेडी देअर ब्रिंग इन द चॉकलेट इमिजिएटली सिक्स ओमपाल मास्ट फॉरवर्ड

फॉर से छह ओमपाल उम्पास जो हैं अपने कंधों पे एक बड़ी सी चॉकलेट बार चार्ली ने कभी भी इतनी बड़ी चॉकलेट बार नहीं देखी है वो लेके आ रहे थे आगे ये चॉकलेट बार जो है मैट्रेस जितनी थी वो मैट्रिस जिस पे चार्ली सोता था घर पे ये देखो पिक्चर में उम्पाल उम्पास चॉकलेट ला रहे हैं मिस्टर वों उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और माइक टीवी साथ खड़ा है

क्योंकि जब भी आप कोई चीज टेलीविजन के थ्रू भेजते हो वो दूसरी साइड पे छोटी होके आती है इवन नॉर्मल टीवी पे जब हम बड़े से आदमी की पिक्चर देखते हैं वो हमारी स्क्रीन पे एक पेंसिल से बड़ी नहीं होती होती है क्या होल्ड एवरीथिंग यू बैक

टीवी पीछे हो तुम कैमरा से बहुत करीब हो उसमें से काफी खतरनाक रेज आ रही हैं वो आपको मिलियंस टाइनी पीसेस में एक सेकंड में तोड़ सकती हैं इसीलिए उम्पाल उमपास जो हैं स्पेस सूट्स पहने हुए हैं ये सूट्स उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं उनकी हिफाजत करते हैं ठीक है अब माइक टीवी पीछे हो गया होगा ना तो वो कह रहे चलो अब ठीक है

पुल किया यानी ऑन किया एक अंधा कर देने वाला फ्लैश हुआ चॉकलेट चली गई चिल्लाया ग्रैंडपा जो ने अपनी आर्म्स को हिलाते हुए वे, वेव करते हुए वे, चॉकलेट चली गई और वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे इतनी बड़ी जो चॉकलेट थी वो हवा में गायब हो गई इट्स ऑन इट्स वे ट्राइड मिस्टर वॉन्का It is now rushing through the air above our heads in a million tiny pieces. Quick, come over here. He dashed over to the other end of the room where the large television set was standing, and the others followed him. Watch the screen, he cried. Here it comes. Look! The screen flickered and lit up. Then suddenly a small bar of chocolate appeared in the middle of the स्क्रीन वो अपने रास्ते में है मिस्टर वंका ने कहा अब जो ये है ये गुजर रहा है हमारे सर के ऊपर से हवा में मिलियन टाइनी पीसेस में चॉकलेट बार की बात हो रही है जल्दी इधर आओ वो दूसरे कोने पे ले गए सबको जहां पे एक बड़ा सा टेलीविजन सेट था और सब लोग उनके पीछे पीछे गए उन्होंने कहा स्क्रीन को देखो यहाँ आ गई देखो स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी झपजपाई और रोशन हो गई और अचानक से वहां पे एक छोटी सी चॉकलेट बार अपेयर हो गई आ गई स्क्रीन के बीच में टेक इट शाउटेड मिस्टर ग्रोइंग मोर मोर एंड एक्साइटेड हाउ कैन यू टेक इट आस्ट माइक टीवी लाफिंग इट्स जस्ट अ पिक्चर ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन चार्ली बकेट क्राइड मिस्टर वोंका उट एंड ग्रेबिट इसको उठाओ तो लाया मिस्टर वंका ने एक्साइटमेंट से इसको आप कैसे उठा सकते हो माइक टीवी ने कहा हंसते हंसते ये पिक्चर है टेलीविजन पे चार्ली बकेट मिस्टर वंका ने कहा तुम उठाओ इसे आगे बढ़ो और इसको पकड़ो चार्ली पुट आउट हिज हैंड एंड टच्ड द स्क्रीन and suddenly miraculously the bar of chocolate came away in his fingers he was so surprised he nearly dropped it eat it shouted mr wonka go on and eat it it will be delicious it's the same bar it's got smaller on the journey that's all Charlie ने अपना हाथ बढ़ाया और स्क्रीन को टच किया और मौजजा था पता नहीं क्या अचानक से वो बार ऑफ चॉकलेट को अपनी फिंगर में ला सकता था वो इतना सरप्राइज हो गया कि वो उसको गिराने ही वाला था लेकिन उसने उसको पकड़ लिया फिर मिस्टर वंका ने चिल्लाया कि खाओ इसको चलो खाओ ये बहुत ही डिलिशियस होगी अच्छी होगी ये वही बार है ये छोटी हो गई है सफर में बस इट्सल्यूटली फेंटास्टिक Grandpa Joe. It's, it's, it's a miracle! Just imagine, cried Mr. Wonka. When I start using this across the country, you will be sitting at home watching television and suddenly a commercial will flash onto the screen and a voice will say, Eat Wonka's chocolates. They're the best in the world. If you don't believe us, try one for yourself. Now, एंड यू सिंपली रीच आउट एंड टेक दर्ल्ड ये तो बहुत ही अच्छा है जरा सोचे मिस्टर वंग ने कहा जब मैं ये कंट्री में पूरे मुल्क में यूज करना शुरू करूँगा आप लोग घर बैठे टेलीविजन देख रहे होंगे और एक कमर्शल एड आएगा जो कहेगा वो घास की चॉकलेट्स खाओ वो दुनिया की सबसे अच्छी हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप ट्राई करें अब और फिर आप बस उसको पकड़ेंगे लेंगे और कैसा बहुत ही अच्छा ग्रैंड जो कह रहे हैं ये तो दुनिया बदल देगा And that's it. That's it for this video. I really hope आपको वीडियो अच्छी लगी. If लगी तो make sure to give this video a thumbs up, do subscribe and share. पुराने चैप्टर्स और आने वाले लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो चेक कर लेना उसके साथ साथ मेरा पर्सनल चैनल इंस्टाग्राम ऑफ अब टू चेक इट ओके बाय